नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं राजनीतिक गलियारों की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल जारी, डिप्टी सीएम ने कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़कर शामिल होने वाले मंत्रियों विधायकों के बाद अब बारी भाजपा की है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक दलजीत सिंह, झांसी से सपा की पूर्व विधायक रश्मि, चित्रकूट से बसपा नेता ब्रज मोहन कुशवाहा और भारतीय जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येन चौहान और सपा नेता सुरभि को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के गुब्बारे से हवा निकलने वाली है। सपा दंगाई और माफियाओं को टिकट दे रहे हैं। जनता 2022 में उनको बहुत करारा सबक सिखाएगी। अखिलेश ने लिया अन्न संकल्प, बोले जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी की गारंटी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान, फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाने और 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन और बीमा पेंशन का वादा किया है। इसके अलावा हाथ में कटोरा लेकर उन्होंने अनसंकल्प लिया है कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है, हम भाजपा को हराएंगे, मिटाएंगे। लखीमपुर के किसानों की शहादत को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के हर किसान और आम मतदाता से अपील की है कि वो भाजपा को हराने के लिए अनसंकल्प ले। आगरा में बेबी रानी मौर्या के खिलाफ बेटे को चुनाव लड़ाएंगे पूर्व भाजपा सांसद कठेरिया। भाजपा नेता व पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे बेटे अरुणकांत को उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्या के खिलाफ देहात सीट से चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने आप ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि आगरा की मेयर रही बेबी रानी मौर्या ने इससे पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। AIMIM ने साहिबाबाद से पंडित मोहन झा को प्रत्याशी बनाया, 8 सीटों से टिकट जारी। ओवैसी की पार्टी AIMI ने सोमवार को प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करी है। इसमें 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें एक हिंदू व 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से AIM ने तौफीक प्रधान को टिकट दिया है। अवतार सिंह भडाना जेवर से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा छोड़ ज्वाइन की थी रालोद। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से सपा RLD गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भडाना ने नामांकन कराया है। 4 बार सांसद रहे और भाजपा से मीरपुर के मौजूदा विधायक अवतार सिंह भडाना ने हाल ही में रालोद में शामिल हो गए थे। महाराजगंज में भाजपा विधायक पर FIR, कोरोना संक्रमित होते हुए भी सीएम योगी से की थी मुलाकात। महाराजगंज के भाजपा विधायक जयमंगल कनौजिया के खिलाफ अध्याशी अधिकारी ने सदर कोतवाली में कोरोना महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। यह कार्रवाई DM के निर्देश पर की गई है। सदर सीट से विधायक की कोविड रिपोर्ट 14 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। CMO ने सूचना देकर उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी थी, मगर वह 15 जनवरी को कई लोगों के साथ गोरखपुर गए और वहाँ CM से भी मुलाकात की थी। सपा RLD गठबंधन ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा। सपा और RLD के गठबंधन ने सोमवार को 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करी। मेरठ के छपरौली से वीरपाल राठी और बागपत के बड़ौ से जयवीर सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया। गठबंधन ने अब तक 37 प्रत्याशियों की सूची जारी करी है। इनमें से 27 उम्मीदवार RLD के हैं। समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सपा ने पिछले दिनों यूपी विधानसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी करी थी। इसमें कैराना से विधायक नाहिद हसन का भी नाम था। नाहिद को टिकट देने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सपा ने कैराना में गैंगस्टर को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। नाहिद कैराना कांड में फरार थे। विपक्षियों के निशाना साधने पर सपा ने उनकी जगह उनकी बहन को अप्रत्याशी बनाया है। आज के चुनावी अपडेट्स में बस इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।